नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। फतेहपुर जिले में एंटी करप्शन कानपुर की टीम ने हाल ही में शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ लिपिक को रंगे हाथों घूस लेते धर दबोचा। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, तो वहीं करप्शन टीम वरिष्ठ लिपिक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। और जब एरियर का भुगतान हमारा हो नहीं रहा था, बार बार हमने इनसे कहा भी, मिला भी, तो बार बार ये हुआ कि अब मिल जाएगा। लेकिन एक बार जब इनसे सल्तन मिलने गए तो उन्होंने 14,000 रुपए की मांग की। ये करीब चुनाव के समय की बात थी, उस समय किए थे। इसके बाद इन्होंने फिर बातचीत हुई, तो एक बार फिर इनसे मिले तो इन्होंने 14,000 की मांग की। और 14,000 की मांग की तो हमने थोड़ी अनुनय भी नहीं किया, सर जी इतना ना दीजिए, थोड़ा कम कीजिए। तो फिर इन्होंने ये 12,000 के लगभग बात फिट की। हरदोई के टंडियावा थाना इलाके के गौ तस्कर की 28,50,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। बता दें कि डीएम के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ कछौना थाने में गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। मई को थाना टंडियावा का एक गौ तस्कर, जिसका नाम बबलू है, इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट पहले कायम हुआ था। इसके द्वारा अपने अवैध कृत्यों से, जो कि गो तस्करी, गोवध वगैरह करता था, उससे अर्जित मकान डीएम महोदय के आदेश से कुर्क किया गया है। समस्त पुलिस बल और प्रशासन के माध्यम से ये कुर्की की गई है। पीलीभीत में प्रेमिका के घर संदिग्ध परिस्थिति में प्रेमी का शव मिलने से हड़कंप मच गया, तो इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसके बाद मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक का पास के ही गांव की एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद प्रेमिका के घर वालों ने युवक को घर बुलाकर जहर देकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। एक घर में प्रातःकाल सूचना मिली कि एक शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। उस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक का नाम सचिन है, जो ग्राम कुरैया के निवासी है। उम्र लगभग 20 वर्ष है। शव का पंचायतनामा कर पीएम के लिए भिजवाया जा रहा है, जांच की जा रही है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के गुजैनी चौकी में वरवधु पक्ष में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां लड़की पक्ष ने लड़के के घर में घुसकर जमकर मारपीट की। बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और अब खबर श्रावस्ती जनपद के मलहीपुर से, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी खाता संचालक ने दर्जनों खातों से करोड़ों रुपए उड़ाकर फरार हो गया। आपको बता दें कि खाता धारकों ने शाखा प्रबंधक के खिलाफ पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे खाता धारक परेशान है। हमारा पैसा यहाँ पर बजौला में जमा किया था, और हमने जब निकालने के गए तो इसने पैसा को गायब कर लिया। हमने जब फिर बाद में निकालने गए तो वहाँ जब पैसा नहीं देखा तो हमको कहा कि आपने पैसा क्या किया, कहीं की कुछ गलती हो गई है। तो हमने हमारा पासबुक रख लिया और इसने पासबुक आज तक नहीं दिया, जो हमने यहाँ पर भंगार चुपाया यहाँ पर, तो यहाँ इसने से चक कराया, इसमें निकलवाया तो इसमें पैसे नहीं है। आगरा के थाना अहमदपुर क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और वीडियो बनाकर वायरल की घटना सामने आई है, जिसके बाद बच्ची के पिता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पास में रहने वाले दो युवकों ने 9 साल के मासूम को बहला फुसलाकर एक कमरे में बंद कर ले गए, जहां दोनों आरोपियों ने मासूम के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट भी की। वो इस पूरे मामले पर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है।
हमारी बच्ची को दिन के 2 बजे और अधिक बेला फुसला के अधिकाय एक दूसरे के कमरे में ले गए बच्चे, गांव के 2 लड़के थे, वो हमारी बच्ची को ले गए, ले जाके उसको लगन किया, लगन करके उससे बदतमीजी की, बदतमीजी करने के बाद में उन्होंने अधिकाय वीडियो निकाली है, हमारी बच्ची ने बोला वीडियो क्यों बना रहे हो, हमारी बच्ची को मार लगाई थी। अमेठी के गोसाईगंज में तेज रफ्तार बुलेरो ने एक महिला को टक्कर मार दी, इससे पीड़ित महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि आरोपी युवक महिला को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया, तो वही बुजुर्ग पीड़िता का आरोप है कि मामले में थाने में तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अमेठी में जामो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा के नाम पर पैसे वसूलने से परेशान महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें किसान नेता रीता सिंह के नेतृत्व में लगातार महिलाओं ने सीएमओ से पैसा वापस कर कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा ज्यादातर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बाहर की दवा लिखे जाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला को चोट लगी थी, उसके लिए ये लोग आए थे मेरे से मिलने कि उसका टाँका बहुत देर में लगा, देर से अटेंड किया गया, जाँच की मैंने लिख दिया था जांच, फिर फॉलोअप नहीं हुआ है उसका। अब दोबारा इन लोग मिले हैं तो मैं तुरंत उनको बुलवा कर जाँच करूँगी और कार्रवाई करूँगी। हम लोग यहाँ आए हुए हैं खंड विकास जामू में CSC है, जहाँ पर 22 फरवरी को एक परिवार में झगड़ा हुई थी, जिसमें इतना चोटिल महिला थी, 19 टाँकियाँ हैं। वहाँ पर्चा बनवाने पर 210 रुपये, 250 मांगा गया तो उसने 210 दिया, बटोर के पैसा नहीं था। उसके बाद में उसकी चोट नापने के लिए इन्होंने अलीगढ़ AMU के JN मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली PhD के एक छात्रा ने डिपार्टमेंट में ही 2 सुपरवाइजर के उत्पीड़न से परेशान होकर नशीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में छात्रा JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई गई। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर घटना के बाद जांच के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने 2 सदस्य कमेटी गठित की है। जांच कमेटी में महिला प्रोफेसर और एक जेंट्स प्रोफेसर को रखा गया है। फिलहाल छात्रों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। तो मीरगंज बरेली क्षेत्र से एक बार फिर खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। मीरगंज में सिधौली चौराहे पर एक होमगार्ड खाकी वर्दी में शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर बेसुध घंटों तक पड़ा रहा। मीरगंज थाने में तैनात होमगार्ड का नाम विनोद मिश्रा है, जो रामपुर जिले के गांव करपिया पांडे का रहने वाला है और इन दिनों होमगार्ड विनोद की ड्यूटी मीरगंज थाना के सिधौली चौराहे पर लगी है। इससे पहले भी कई बार बरेली जिले में ऐसे होमगार्ड शराब के नशे में वर्दी को शर्मसार करते नजर आए हैं। और ये घटना थाना बांडा क्षेत्र के धर्मपुर गांव की, जहां जंगल के किनारे खेत में 20 साल और 30 साल के एक युवक घास काट रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत से निकले टाइगर ने अचानक दोनों पर हमला कर दिया। बता दें कि दोनों के चेहरे और पीठ पर पंजे लगे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद तमाम ग्रामीणों ने गन्ने के खेत को घेर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस की टीम ने ड्रोन उड़ाकर टाइगर को तलाश करने की कोशिश की और वन विभाग तेंदुए होने की आशंका जाहिर कर रहा है। फिलहाल जंगल के आसपास रहने वालों में टाइगर होने की आशंका के चलते दहशत फैली हुई है। दो लोग घायल अवस्था में आए थे, तो कथित रूप से वो उन्होंने बताया कि किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया है। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद उनकी चोटों के हिसाब से ये तो कन्फर्म नहीं है कि कौन सा जानवर है, लेकिन बाइट के निशान के साथ
हमीरपुर के मोधा कोतवाली कस्बे के बड़ा चौराहे से भाजपा के सोशल मीडिया पर तो हमीरपुर की तस्वीरें हैं जहां पर भाजपा नेता की दबंगई सामने आई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं एक दुकानदार की कुछ लोग जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि क्यों पिटाई कर रहे हैं ये वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन दुकानदार ने गंभीर आरोप लगाए हैं जिससे दुकानदार को गंभीर चोटें भी आई हैं। फिलहाल बीच बचाव करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची है और गंभीर हालत में दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस विवाद के पीछे की वजह जानने की कोशिश हम करेंगे। हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है जहां पर आरोप भाजपा नेता पर लग रहे हैं कि उन्होंने दबंगई दिखाई और दबंगई ऐसी कि चार पांच लोग मिलकर दुकानदार को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हरदोई के आस्तुपुर गांव में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र के मन्नापुरवा में दो आवारा सांड आपस में भिड़ गए और काफी देर तक दोनों की लड़ाई होती रही। अचानक बीच सड़क पर घूम रहे सांड लड़ने लगे और तो देखने वालों का तांता लग गया। वहीं कुछ लोगों ने दोनों को डंडे और ईंटों के सहारे किनारे कर भगाया। यूपी में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि रानीगंज में बीती रात बदमाशों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं हत्या के दौरान चिल्लाने की आवाज सुनकर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो गांव वालों को देखकर बदमाश फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। संभल में जबरदस्त फायरिंग होने के दौरान पांच लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों की माने तो ये फायरिंग दो गांवों के बीच हुई और बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते दो गांव के लोग आपस में भिड़ गए। थाना नखासा क्षेत्र में ताजपुर गांव में दो पक्षों में प्रेम प्रसंग को लेके मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है जिसमें पांच लोगों को चोटें आई है। दो लोग गंभीर बताए जा रहे हैं जिनको इलाज के लिए मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर किया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। मुकदमा लिखा जा रहा है, बाकी घटना की गहराई से जाँच पड़ताल की जा रही है और घटना करने वालों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सर दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं? दोनों ही मुस्लिम हैं दोनों पक्ष और एक ही गांव के भी रहने वाले हैं। प्रदेश में युवक मंगल दल की रजिस्टर्ड जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया जिससे क्षेत्र में युवाओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। बता दें कि गरबा ब्लॉक के रोहरा ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय के पास खेलकूद के लिए युवक मंगल दल के नाम से जमीन रजिस्टर्ड है जिस पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था। वहीं स्थानीय युवाओं ने जमीन को दबंगों से छुड़ाने की गुहार लगाई तो वहीं जानकारी मिलते ही जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण कर मामले की गंभीरता को समझाते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। ग्राम पंचायत लोहरा में अब जो खेल का मैदान है युवक मंगल दल के नाम से रजिस्टर्ड है जी, वहाँ पे अवैध कब्जे का मामला मेरे संज्ञान में आया और मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ और इस मैदान पे मैंने देखा है जी। कहीं कहीं देखने से तो यह महसूस हो रहा है कि कुछ गलत हुआ है जमीनी स्तर पे, यह समझ में आ रहा है वहाँ पे देखने पर, लेकिन जो पूरा मामला है वो राजस्व का मामला है और इसलिए मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ कि किस लेवल तक कब्जा हुआ है या ये कहना बड़ा मुश्किल है।
तो कल मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा और इस पर मैं मांग करूंगा कि इसकी पैमाइश कराई जाए एक टीम बनाकर, और जहां भी युवक मंगल दल की टीम है, युवक मंगल दल की जमीन है युवक मंगल दल की टीम के लिए, उसको मुक्त कराया जाए और उसको सुरक्षित कर दिया जाए। प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचने पर प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के चखीरा नंद इलाके का, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक और युवती की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई, जिसमें लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। लड़की गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक आपस में प्रेम प्रसंग में लिप्त थे और लड़की द्वारा फोन करके लड़के को देर रात अपने घर बुलाया गया था। ये थाना नैनी का प्रकरण है। पुलिस को करीब 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी सुनील मिश्रा के मोबाइल नंबर से कि छत पर एक लड़का और इनकी लड़की दोनों पड़े हैं। लड़का लगभग मृत अवस्था में है, लड़की भी काफ़ी घायल है और एम्बुलेंस की सहायता चाहिए, ऐसी सूचना फ्लैश हुई थी। उस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, पीआरवी वाहन पहुँचे हैं, सारे अधिकारी पहुँचे हुए हैं। लड़की काफ़ी गंभीर घायल थी तो उसको एसआरएन हॉस्पिटल इलाज के लिए भिजवा दिया गया। लड़का के भी गोली लगी हुई है, उसको फील्ड यूनिट के द्वारा जांच करा करके उसको भी मृत्यु का सही कारण और किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है उसको जानने के लिए। दिल्ली में उचाहार से आ रही प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में लगभग 70 सवारियां मौजूद थी। बस पलटने से सवारियों में हड़कंप मच गया। वहीं 3 सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल भी भेजा गया। खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिमरी चौराहे के जगत ढाबे के पास की घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।